गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इसको बांह उल्टी कर दो। ये देखें ये सिक्का है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अपने भाई छत पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लास्ट व्लॉग को आपने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार देख के दिल खुश हो गया। तो आप बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर ने कमेंट बहुत सारे किए कि सलाम भाई ये होना चाहिए ये होना चाहिए। मैं भी आपको नीचे जाके सब कुछ कन्फर्म करता हूँ। वो UPS के बहुत सारा कमेंट आए थे कि इधर नहीं होना चाहिए और दो तीन चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी सोफे हमने लगा दिए थे न कल। अपने सब्सक्राइबर ने कमेंट किया सकलैन भाई ये UPS यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बैटरीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे एक पर्दा होना चाहिए, पर्दा लगाएं ला के। तो असल में मसला ये है कि UPS हमने इसलिए इधर लगाया हुआ है क्योंकि इसका मेन ब्रेकर जो है ना वो यहाँ पे था। ये देखें ये मेन ब्रेकर है जिधर लाइट आ रही है, इसके ऊपर पहले वो हमने लगाया हुआ था कवर। लेकिन अभी जो मामला हुए हैं वो ये हैं कि अगर UPS हम ऊपर रखते, वैसे तो हमने छत के ऊपर ही रखना था UPS, अगर ऊपर रखते तो फिर अलहदा से वायरिंग करवानी पड़नी थी सारी, तो इस वजह से हमने ऊपर नहीं रखा, हमने नीचे ही इधर रख दिया, इसके साथ अटैच कर दिया। लेकिन इसका हम मुकम्मल काम करेंगे, इसको छत के ऊपर ही रखेंगे, यहाँ पे ये कामयाब नहीं। और दूसरा जी पर्दा लेके आएंगे वो भी को अच्छा सा ढूंढ के, तो फिर लेके आएंगे वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम खूबसूरत हो जाएगा, चीजें पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे एक यहाँ पे पर्दा लगाएंगे एक यहाँ पे लगाएंगे जो जरूरी है बस। तो अपने भाई मस्तियां कर रहे हैं, अब कैसा लग रहे हैं सोफे? बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, बस अभी अब ठंडे हैं, अभी ठंडे गर्म हो गए गर्म हो गए। अब्दुल्ला भाई की ये जैकेट लेके आए थे हम लंडे से, तो इसके यहाँ पे मेरे ख्याल में अब्दुल्ला भाई क्या था, सिक्का है कोई? पता नहीं यार, कोई सिक्का ही लगता है, निकाले कोई सिक्का है या पता नहीं क्या चीज है इसके अंदर। एक मिनट देखते हैं ना, पहले देख लें किधर है, किधर किधर है इस जगह पे ना सिक्का है कोई इस जगह पे, इधर कहीं होगा कहीं। ये देखें ये इसके अंदर सिक्का है। अब्दुल्ला भाई ये कौन सा सिक्का होगा? सोने का होगा है? हाँ है? अगर सोने का हुआ तो फिर बेच देंगे अगर सोने का होगा फिर मेरा मोड़ा चल दे लेना यार, तुम खुश रहना। हाँ सोने का होगा इसके अंदर, अभी ढूंढना पड़ेगा, निकालना किधर से है? हम निकालेंगे यार, हम बड़े तरीकेदार हैं, सेंस दोना। अच्छा स्कूल ऐसे ही नहीं सेंस। पहले सिक्का ढूंढे। हाँ जी पहले सिक्का ढूंढे कि किधर है सिक्का, निकाल लेंगे। लगता सिक्का गुम गया मेरे ख्याल में, नहीं होगा नहीं पड़ा होगा यार, पता नहीं अब ये किसका सिक्का है, कौन से कंट्री का, अभी पता चल जाएगा, हो सकता है सोने का सिक्का हो, लॉटरी लग जाए। हाँ सोना वैसे भी बहुत महंगा, सोना अगर तो निकल जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। 1,40,000 का हाँ, 1 तोला ही हो क्यों अब्दुल्ला भाई? सोने का होगा, सोने का पक्की बात है, क्यों हंसने भाई? सोने का होगा, सोने का होगा। किधर फंस गया सिक्का, ढूंढना मुश्किल हो गया जी। कोट नहीं खराब करना अब्दुल्ला भाई, आपका कोट खराब हो जाएगा फिर। अभी नया कोट है, इसके अंदर अगर सोने का सिक्का हुआ तो फिर तो ये बहुत कीमती है। लब गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इसको बांह उल्टी कर दो। ये देखें हम बड़े इधर है जी, वही सिक्का ये देखें ये सिक्का जी, सोने का ही होगा, निकालो बाहर इसको, निकालो निकालो। सोने का कहाँ से निकालना है? अब यहाँ पर लेकर आओ यार, अगला साइंस दान है। ये बाजू में से किधर से, इधर से फटेगी जैकेट? मैं साइंस दान हूँ। चलें जी देखते हैं, निकलेगा निकले नहीं, तुम्हें नहीं पता चलना। अब्दुल्ला भाई को दो, अब्दुल्ला भाई साइंस दान है। अब्दुल्ला भाई ये क्या कर रहे हो? मुझे उल्टी कर, सीधा कर रहे हो? सीधा कर रहे हो हाँ जी। किधर से निकलेगा?
ये क्या हुआ है? ये फट गया, ये इधर से निकालेंगे आप। आप कौन से साइंसदान है अब्दुल्ला भाई? निकालो निकालो। घूम गया, घूम गया। ये मैं इतनी मुश्किल लेकर आऊँ, ये सिक्का आने लगा, सिक्का आने लगा। अब्दुल्ला भाई सोने का होगा? नहीं पता नहीं यार। तो क्या सोने का होगा तो आधा मेरा आधा आपका है यार। आप पूरा यार मुझे नहीं सोने के लिए पूरा। ठीक है ठीक है, ये आ गया आ गया आ गया आ गया। उतार लो, फाड़ दो जैकेट, फाड़ दो यहाँ से। सोने का होगा फिर अगर ये सोने के सिक्के देगी ना जैकेट तो हम सारी फाड़ देंगे। निकालो निकालो निकालो। नहीं नहीं नहीं, निकल गया निकल गया। राम राम नाले, राम नाल जैकेट फाड़ जाएगी। ओए जैकेट फाड़ जानी है सीधा, यो जैकेट जैकेट फट जाएगी आराम से आराम। मनु दो, ये सिक्का निकल चुका है जी, सोने का सिक्का। नहीं यार, कौन सी करेंसी है ये? हैं छड़ सोने का नहीं है, ये सोने का नहीं, 5 रुपए हैं ये, 5 रुपए। ये मेरे ख्याल में कोरियन सिक्का है कोई, है तो सोने का ही है ना, क्यों बोला भाई? है सोने का ही है, है तो सोने का ही है ना। सोने का है, हाँ जी सोने का ही है मेरे ख्याल में। सोने का ही है, सोने का सिक्का जी। ये हमें सोने का सिक्का मिल गया, इसको हम दे के आते हैं, कहीं बेच के आते हैं, इंशाल्लाह बहुत महंगा बिकेगा ये वाला सोने का सिक्का। इधर भाई अपने स्कैन कर रहे हैं जी, किस कंट्री का जी? चाइना का। चाइना का, ये चाइना का जी सिक्का, हांगकांग ये वाला सिक्का जी, ऊपर जो जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, बैंक ऑफ चाइना ऊपर लिखा हुआ है। ये चाइना का सिक्का जी, बहुत महंगा होगा, क्यों अब्दुल्ला भाई? पता करा के आते हैं कितने का होगा। 5 रुपए है, हो सकता है $5 हो। पता करा के लाए, हमारे पाकिस्तान का भी ऐसा होता था 5 रुपए का, लेकिन इस साइड पे वो ना हमारी तस्वीर होती थी, बादशाही मस्जिद पड़ी होती थी, वो हमारी तस्वीर। ये लो अब्दुल्ला भाई आपकी अमानत, पता कराएंगे, हो सकता है ये काफी महंगा बिके। मैं एक 5 रुपए एक टिपा इसके लिए कोट पार दिया, कोट पार दिया आपने। यहाँ से इतना इतना फटा हुआ है, सिलाई कर लेंगे यार, इधर सिलाई कर लेना, पहले भी फटा हुआ था ना? हाँ जी पहले भी फटा हुआ। ये हमारे खेत उस दिन खाद डाली थी इसमें तो पानी नहीं लगाया हुआ था, तो बारिश भी नहीं हुई, तो आज पानी लगाया हुआ है जी इसको, खुला खुला पानी लगाया हुआ है। अमर भाई बारिश होगी कि नहीं? कोई पता नहीं जी, बारिश का कोई पता नहीं। अपने जो खेतों को पानी लगाया हुआ है ना, ये साथ वाले विलेज के भाई हैं, उनके खेत हैं, तो उनकी मोटर है, तो उनसे हमने ये पानी लिया हुआ है। ये वाला खेत में तो पानी हो चुका है, अभी ये वाले खेत में लगाया हुआ है, ये वाला हिस्सा हो गया तो फिर खत्म। और एक घंटे के जितने भी पैसे होंगे, 300 होगा, 200 होगा। खाद डाली थी, उसके बाद स्प्रे कर दी, अबू जान ने मैं लाहौर चला गया, पीछे से स्प्रे कर दी हुई थी, तो अभी पानी लगाया, इंशाल्लाह गंदम निकलेगी जबरदस्त। अबू जान आ गए, हाँ जी अब जी हाँ? किस तरह घंटा है पानी मिलेगा सानू? देखो पहले 300 ही, पहले 300 ही, पिछली बारी 200 नहीं? नहीं नहीं 300 ही, 300 नाल हिसाब नाल किन्ने घंटे हो गए? अजय देखते 300 तक 4-5 की गल कर, 400 लेगा तो बना रहा बाब को, तो बात नहीं बिजली बड़ी महंगी हो गई। हाँ बिजली महंगी, कितने किन्ने घंटे हो गए ना जी? तकरीबन 4.5 घंटे हो गए, 4.5 घंटे हो गए। सुबह ही चलाई थी? नहीं नहीं 10 बजे, 10:30 बजे चलाई, 10:30 बजे अबू जान कह रहे हैं चलाई थी मोटर, तो चार से पाँच घंटे हो गए, 5 घंटे तकरीबन हो गए, आधा घंटा और लग जाना है। और इसके बाद शाम को जी सियालकोट जाना है, वो अपनी फूफो जान आई हुई थी तो उन्होंने जाना है वापस, तो उनको छोड़ने के लिए सियालकोट तक जाना है, साथ सामान है काफ़ी ज़्यादा, तो वो छोड़ने के लिए हम जाएंगे सियालकोट। 10 बजे रात को यहाँ से निकलना है पिशावर के लिए, तो उससे पहले पहुँचना जी सियालकोट। चलो
भाइयों के जी कल स्कूल लग जाने हैं, छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म है। अभी समीला भाई आग लेके आए हैं धाबड़े में डाल के अंदर बैठ के सेकने के लिए। छुट्टियां तो खत्म हो गई, कोई नहीं टेंशन नहीं यार। छुट्टियां फिर आ जाएंगे, अब छुट्टियां फिर आ जाएंगे यार। मजा आया इन छुट्टियों में? इतना मजा तो नहीं आया यार, ठंड की वजह से इतना मजा नहीं आया। मजा आया टूर किया हमने, वो टूर चुटिया मजा आया। हाँ। पर ये बारह गर्दी नहीं की इतनी बार कर दी की, क्योंकि तू भी पड़ी थी बारह धुंध बहुत थी, इसलिए पड़ी थी ताकि ठंड ज्यादा थी, धुंध थी इसलिए पड़ी। ठंड की वजह से ज्यादा हो सकता है बढ़ जाए छुट्टियां, नहीं बढ़नी होती। अगर बढ़नी होती तो आप आज बढ़ जानी थी। कहते हैं कि टाइम कम हो जाए। हाँ टाइम कम हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ सियालकोट, आपने जाना है? नहीं यार मैंने नहीं जाना। क्यों? सुबह सवेरे स्कूल जाना है। फिर अभी हम जाने लगे हैं सियालकोट फूफो जान को छोड़ने के लिए। साथ बहुत सारा सामान है, मतलब कि यहाँ से चावल लिए हैं फूफो जान ने, दो तीन थैले हैं चावलों के जो साथ लेके जानी है और वहाँ पे रखवा के आने हैं सियालकोट में। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफ़र है, डेढ़ घंटा लगता है हमें यहाँ से जाते हुए। कैरी डब्बा जी आ चुका है जिसपे हमने जाना है सियालकोट छोड़ने फूफो जान को। तो ये रहा जी सारा सामान फूफो जान का, तीन थैले हैं चावलों के और ये एक बैग है जो लेके जाना है साथ। कैरी डब्बे की सीटें कुछ इस तरह की हैं, इसमें सारा सामान आ जाएगा, तकरीबन आ जाएगा सामान जी। सारा पीछे रख दिया गया है। ये रहे अपने बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम कोरिया के लिए गए थे मानी भाई के साथ। बिल्कुल ऐसा ऐसा जी हम जा रहे हैं अपने स्लो स्पीड में। हमारे पास अभी टाइम बहुत है, तकरीबन टाइम 8 बजे अभी, तो 9 बजे तक पहुँचना है हमने। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं सियालकोट, अपने शहर सियालकोट में। अभी सीधा जाना है जी हमने लारियाटा। हल्की हल्की जी धुंध पड़ना शुरू हो गई हुई है, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की है। ये वाली बस जाएगी जी पेशावर रात 10 बजे और ये तीन थैले हैं जो रखवाने हैं और इनके भाई साहब कह रहे हैं 1200 रुपया लेंगे हम पेशावर का, 1200 रुपया तीनों का। चलो चलो चलो, ये फैसल मूवर है जी मलक अड्डे पे, ये वाली बस निकलनी है। तो सामान सारा जी मैंने रखवा दिया, लेकिन 1200 रुपया किराया लिया जी उन्होंने सामान का सिर्फ। रात बजे 10 बजे चलेगी, तकरीबन सुबह 6-7 बजे पहुंच जाएगी बस ये वाली। तो टाइम तकरीबन 9 बजने वाले हैं। तो बाबा भाई कुछ खाना पीना? चाय चाय चले चाय पीते हैं जी कहीं से। सियालकोट जी हम रुके हैं जाने से पहले स्पेशल कश्मीरी सब्ज़ चाय ये पीने के लिए, माशाल्लाह स्पेशल बनाते हैं भाई जी। माशाल्लाह जी हमारी सब्ज़ चाय जी आ चुकी है और ये पीते हैं और फिर निकलते हैं जी विलेज को। चलें जी अभी फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ से पी रहा हूँ, पहले इससे पहले हम सियालकोट में नेशनल टी स्टॉल है दूसरी साइड पर ना, वहाँ से हमने चाय पी थी, लेकिन घंटाघर से ये मैं फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। चेक करते हैं जी, चाय बहुत जबरदस्त थी। बाबर भाई कह रहे थे जाते जाते चाय पी के चलते हैं, एक एक बर्गर भी हमने खाया, उसके बाद जी एक एक कप चाय पी है, बहुत जबरदस्त था, इनकी मशहूर है। अब पी के जाते होंगे जब भी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जी, हम अपने विलेज लैंड कर चुके हैं, तकरीबन टाइम हो रहे हैं 10:30 से ऊपर, आधे घंटे के अंदर अंदर हम सियालकोट से विलेज पहुँच गए हैं। ठीक है बाबर भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफिज। रात को हम सियालकोट से आए, कोई धुंध नहीं थी, बिल्कुल साफ था मौसम, हल्की फुल्की धुंध थी लेकिन ना होने के बराबर थी। अभी देखें कितनी सारी धुंध है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा, ये देखें कोई घर भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि इतनी ज्यादा धुंध पड़ गई है रात के अंदर अंदर। और जो कल जैकेट में से सिक्का निकला था ना, वो चाइना का था, हांगकांग का था, उसके ऊपर हांगकांग की मोहर थी,
और हमने वो सर्च किया पाकिस्तानी रुपए के अंदर कन्वर्ट किया तो वो 100 मेरे ख्याल में 52 रुपए बन रहे थे या इतने ही बन रहे थे। तो ये था क्योंकि चाइना से कोई जैकेट आई हुई थी लंदन से, फिर इस तरह ही होता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी, वो भाई कह रहे थे मेरे लंदन से डॉलर निकले हैं, लंदन की जैकेट से डॉलर निकले हैं। तो अब आगे हिसाब लगाए, उधर से जो जैकेटें आती हैं उनमें सामान रह जाता है उनका, तो इस वजह से। खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।